चलिए मैं बताता हूं कि आप जो है किस प्रकार से मैनुअली वीपीएन सेट कर सकते हैं बिना किसी डाउनलोड किए हुए एप्लीकेशन के। वीपीएन सेलेक्ट कर लेंगे, वीपीएन में जाकर ऐड वीपीएन करेंगे, कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस खुलेगा और यहां पर जो है नेम में आप जो है कुछ भी डाल सकते हैं। टाइप ध्यान रखिएगा, आप जो है सिलेक्ट कीजिएगा LTTP IPsec PSK सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मेन पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों सर्वर एड्रेस, इसको पाने के लिए आप जो है एक वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा। चले जाइए किसी ब्राउजर में, आप जो है सर्च कीजिएगा vpngate.net और आपको बहुत सारे सर्वर एड्रेस देखने को मिल जाते हैं इस वेबसाइट पर। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जापानी ज्वाला ही उठाएगा। उठाने के लिए आप जो है कॉपी करिएगा किसी सर्वर एड्रेस पर और उसको जो है पेस्ट कर दीजिएगा फिर से सेटिंग में जाकर सर्वर एड्रेस वाले जो है कॉलम में। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है IPsec प्रीसेट की, यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर में वीपीएन लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आप दिया गया है फॉरवर्डिंग रूट्स, यहाँ पर जो है फिल कर देंगे 0.0.0.0/0 आप जो है फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड में आप जो है स्मॉल लेटर में वीपीएन लिख दीजिएगा और सही वाले पर जो है क्लिक कर दिया, आपको 10 से 15 सेकंड में फास्ट वाला वीपीएन एक्सेस कर पाएंगे।